इसराइल हमास युद्ध के बीच अब इजरायली फौज राफा शहर में घुस चुकी है। बारह मई 2024 को इजरायली एयरफोर्स ने राफा शहर में लगातार एक घंटे तक हवाई हमले किए, जिसका मंजर बेहद ही भयानक था। इजरायली सेना का कहना है कि उसने अपनी इस एयर स्ट्राइक में हमास के कई लड़ाकों को मार गिराया है, लेकिन एक तरफ जहां आईडीएफ राफा को दहला रही है, वहीं दूसरी तरफ गाजा के अलग अलग हिस्सों में आईडीएफ को रोकने के लिए हमास और अन्य प्रतिरोधी संगठनों ने मोर्चा संभाल लिया है। और आईडीएफ को राफा शहर में घुसने से रोकने के लिए हमास लगातार हमले कर रहा है। और इसी कड़ी में जबालिया कैंप से लेकर अल जैतून तक हमास आईडीएफ पर आग बरसा रहा है। लेकिन 12 मई 2024 को गाजा के प्रतिरोधी समूहों ने इजरायली सेना के खिलाफ एक बहुत बड़े और जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दरअसल हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने पूर्वी जबालिया कैंप में आईडीएफ पर बहुत बड़ा हमला किया है, और इस हमले में उसने आईडीएफ के 10 सैन्य वाहनों को उड़ाने का दावा किया है। अल कासिम का कहना है कि उसने इस हमले में आईडीएफ के 9 मरकावा टैंक और एक सैन्य वाहन को तबाह कर दिया है। इसके अलावा अल कासिम ने इजरायली सैनिकों के एक जमावड़े पर भी हैवी मोर्टार दागे हैं। दरअसल एक ड्रोन की मदद से अल कासिम ब्रिगेड ने पहले तो काफी ऊंचाई से मरकावा टैंक को निशाने पर लिया, और फिर उसी ड्रोन ने इस मरकावा टैंक पर रॉकेट गिरा दिए, जिससे टैंक में जोरदार 2 धमाके हुए। इस पूरे हमले का अल कासिम ने एक वीडियो भी जारी किया है। अल कासिम के मुताबिक उसने अलमाबाऊ के पास आईडीएफ के मरकावा टैंक पर अलियासीन 105 रॉकेटों से हमला किया है, और जब आईडीएफ के सैनिकों पर यह हमला हुआ तो वो अपनी जान बचाने के लिए एक बिल्डिंग की तरफ भागे थे, और इस बिल्डिंग में पहले ही बूबी ट्रैप लगाया गया था, जिसके धमाके में आईडीएफ के कई अधिकारियों समेत सैनिकों की मौत की खबर है। इसके अलावा जबालिया शहर के पूर्व में अल कासिम ने एक और जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में अल कासिम ने इजरायली बख्तरबंद वाहनों पर विस्फोटक डिवाइस और टेंडम गोलों से हमला किया है। साथ ही जबालिया के मजाया हॉल के पास अल कासिम ब्रिगेड ने इजरायल स्पेशल फोर्स पर टीबीजी गोलों से हमला किया है, और इसी इलाके में आईडीएफ के 4 मरकावा टैंकों पर अलियासीन 105 रॉकेट्स भी दागे गए। और जब ये हमला हुआ उसी वक्त अलमबाऊ में अल कासिम ने आईडीएफ पर अलियासीन 105 रॉकेट दाग दिए। इससे इजरायली सेना के वाहनों में आग लग गई, और इसी इलाके में आईडीएफ के जमावड़े पर भी हैवी मोटर गोलों से भीषण बमबारी हुई है। आपको बता दें कि अल कासिम ब्रिगेड का कहना है कि उसने पूर्वी जबालिया कैंप में एक एंटी टैंक मिसाइल से मरकावा टैंक पर सीधा हमला किया है। और इस हमले के बाद अल कासिम ब्रिगेड ने मरकावा टैंक पर एक और हमला किया, जिसको लेकर अल कासिम ब्रिगेड का कहना है कि उसने पूर्वी जबालिया कैंप में आईडीएफ के 5 मरकावा टैंक पर अलियासीन 105 रॉकेट्स दागे हैं, और इनमें से एक टैंक में आग लग गई, जिसकी वजह से चालक दल के सदस्य या तो मारे गए या फिर घायल हो गए। आपको बता दें कि अल कासिम ब्रिगेड ने इन हमलों के कुछ वीडियोज भी जारी किए हैं, जिनमें ये साफ दिख रहा है कि ये हमले कितने भीषण थे। वहीं दूसरी तरफ अलकुस ब्रिगेड ने पूर्वी जबालिया में एक मस्जिद के पास खड़े इजरायली टैंकों और आईडीएफ के जमावड़े पर आरपीजी रॉकेट से हमला किया है। वहीं दूसरी तरफ अल कासिम ब्रिगेड का कहना है कि उसने नेटजरी मैक्सिस पर कई हैवी मोटर गोलों से हमला किया है, और इस हमले के साथ ही अल दीन ब्रिगेड ने भी इसी इलाके में इजरायली सेना पर भीषण हमला किया है।